एक ब्लाइंड गर्ल को लगा कि ऑपरेशन के बाद उसके सारे प्रॉब्लम्स मिट जाएंगे। उसके चाहने वालों के सीक्रेट्स ने उसे और भी डार्कनेस में ढकेल दिया। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको ऑल आई सी इज यू, ये 2016 की एक थ्रिलर हॉलीवुड मूवी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ये मूवी जो स्टार्टिंग में रोमांटिक रिलेशनशिप के साथ शुरू होती है, स्लोली स्लोली एक डार्क टर्न लेती जाती है। तो अंत तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिए। और बिना किसी देरी के एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है और हमें एक कपल दिखाया जाता है। हमारे मेन कैरेक्टर का नाम है जीना और उसके हस्बैंड का नाम है जेम्स। कैरेक्टर्स की मोटिव जानने के लिए इनकी रिलेशनशिप में हम डीप डाइव करेंगे। मूवी शुरू होते ही हमें पता चल जाता है कि जीना ब्लाइंड है। आज जीना को उसके सिस्टर का कॉल आया, जिससे हमें पता चलता है कि आज ही के दिन उसकी फैमिली का एक्सीडेंट हुआ था। इसी एक्सीडेंट में जीना ने अपनी आंखें खो दी थी। इस एक्सीडेंट को बहुत सारे साल हो चुके हैं, इसके जख्म अब तक भरे नहीं। आज जीना के आईज को दिखाने के लिए ये डॉक्टर के पास जा रहे थे। जेम्स जीना से बहुत ही प्यार करता है तो ज़रा नर्वस था, क्योंकि आज उन्हें पता चलेगा कि क्या जीना फिर से देख सकती है या नहीं। डॉक्टर ने आईज वगैरह चेक किए। जीना का एक आई पूरा बर्बाद है, पर एक आँख से वो कुछ ना कुछ देख पाएगी। ये दोनों इस न्यूज़ से बहुत ही खुश थे। ऑपरेशन के लिए ये वेटिंग लिस्ट में है। जीना बहुत ही अच्छा गाती है और गिटार भी अच्छा बजाती है, तो एक छोटी लड़की को वो लेसन दिया करती है। जीना बेचारी कुछ देख नहीं पाती और अपने काम करते करते जेम्स को अपने ऑफिस में ज़रा लेट हो जाता है। कभी कभी जीना बहुत ही ज़्यादा डर जाती है। जेम्स के घर आने पर उसे बहुत अच्छा लगता है। एक दिन जेम्स के घर आने पर जीना ने जेम्स को पास बुलाया, पूछा, तुम्हें मेरा इतना ख्याल रखना पड़ता है, क्या तुम्हें तकलीफ नहीं होती है? जेम्स कहता है, तुम्हारा ख्याल रखने से मुझे स्पेशल लगता है। नेक्स्ट डे जीना स्विमिंग पूल गई हुई थी, वहीं पर शावर लेते हुए उसका पीरियड आ गया। उसकी फ्रेंड इसके लिए उसे हेल्प करती है। जो भी आज हुआ कि वो अपना खुद का ब्लड देख नहीं पाए, इस बात से वो बहुत ही ज़्यादा एम्बेरस थे। जेम्स घर पर आया तो उसने एक झटके में पहचान लिया कि हुआ क्या होगा। उसका मूड ठीक करने के लिए कहता है, चलो हम कहीं बाहर चलते हैं। ये दोनों फिर क्लब आए। जीना बहुत डांस करती है, जेम्स को भी फोर्स कर रही थी, पर जेम्स को डांस करना अच्छा नहीं लगता। वो इस पर गुस्सा हो गया, कहता है कि हम सब पागलों की तरह लग रहे हैं। जीना का भी मूड चला जाता है, उसे बाथरूम ले जाने के लिए कहती है। जब वापस आए तो जेम्स आसपास नहीं था। उसे पुकारती है, चिल्लाती है, पर जेम्स उसे आवाज़ नहीं देता। उसे एज अ पनिशमेंट तड़पता देख रहा था। बाद में उसके पास आ गया। या आज रात जब घर पर आए तो जीना को हॉस्पिटल से कॉल आता है, आज उसका ऑपरेशन करने वाले हैं। ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ और जीना ने जेम्स को फर्स्ट टाइम देखा। ये दोनों बहुत खुश थे। जीना ने वर्ल्ड जिस तरीके से इमेजिन किया था, ये ज़रा अलग था। वो कहती है, तुम ज़रा अलग लगते हो। जेम्स ने पूछा, क्या तुम्हारी इमेजिनेशन से कुछ गलत हो, क्या मैं सही नहीं लगता? जीना कहती है, तुम बहुत अच्छे लगते हो, बस सिर्फ ज़रा डिफरेंट हो। डॉक्टर ने इन्हें आई ड्रॉप्स वगैरह दे दिए थे। जीना कहती है, ये सब कुछ कितना कलरफुल लग रहा है। जेम्स उसे फिर और भी ज़्यादा कलर्स दिखाने के लिए डायरेक्टली फूलों के मार्केट में लेकर आया। ये डे जीना के लिए बहुत ही ब्यूटीफुल था। जब वो घर आए तो उसे अपना पूरा घर ही अलग लगता है। उसे नहीं लगता कि उसका खुद का घर है। जेम्स जीना के पास आया, कहता है, अब हम हॉलीडे के लिए जाएंगे। जहाँ पर वो अपने हनीमून के लिए गए थे वहीं पर फिर से जाने वाले हैं। जीना सरप्राइज सुनकर बहुत ही ज़्यादा खुश थे। रात में दोनों फिर इंटीमेट हो जाते हैं। जीना अब सब कुछ देख सकती है तो जेम्स को बहुत ही अजीब लगा। जीना भी ये सब कुछ समझ गई। अगले दिन अपने हॉलीडे के लिए निकल पड़ते हैं। जेम्स ने कहा कि हमारे हनीमून पर हमने जो रूम बुक किया था वही रूम मैंने फिर से बुक किया है। यहाँ का नज़ारा जीना को बहुत ब्यूटीफुल लगा। उसे लगता है कि उनके हनीमून से ये रूम ज़रा अलग है। जेम्स बता रहा था कि सेम है, पर जीना कहती है कि मैंने इसे फील किया है, ये वो नहीं। अगले दिन ये दोनों बोटिंग के लिए आए। जेम्स चाहता था कि दोनों एक ही बोट में बैठे। जीना को अब आंखें मिली है तो खुद एक्सप्लोर करना चाहती है। वो सारा नेचर एंजॉय करते हुए आगे बढ़ती चली गई। रात में फिर ये दोनों डिनर के लिए आए। जब जीना ड्रिंक लेने के लिए गई तो किसी स्ट्रेंजर के साथ बात कर रही थी। ये जेम्स को अच्छा नहीं लगता। वो वापस आए तो जेम्स पूछता है कि वो कौन था। जीना ने कहा कि वो अपनी वाइफ के साथ हनीमून पर आया हुआ है। हमारे हनीमून पर हमारे पास जो रूम था ये अब उन्हें मिला है। जेम्स अभी मानता नहीं है तो जीना कहती है, हम मैनेजर से बात करते हैं। जेम्स ने फिर कहा कि मुझे पता है, इसलिए उसने झूठ कहा था। उसे सिर्फ सब कुछ चीज़ें परफेक्ट चाहिए थी, इसलिए वो झूठ कह रहा था। रात में जब ये दोनों घर पर आ रहे थे तो एक कपल को पैशनेटली इंटीमेट होता देखा। जीना भी जेम्स के साथ आज यही सब करना चाहती थी। उसने उसके हाथ टाई कर दिया। ये जेम्स को बहुत ही ज़्यादा अनकम्फर्टेबल लगता है। जीना उसके साथ इंटीमेट होने का ट्राई करती है, पर जेम्स बहुत ही ज़्यादा चिढ़ गया था। ये सब चीज़ें वो रिकॉर्ड भी कर रही थी।
अगले दिन फिर ये दोनों चिना की सिस्टर से मिलने के लिए गए। ये दोनों सिस्टर मिलकर बहुत खुश थे। सिस्टर का हस्बैंड ये बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है, वो हमेशा एडल्ट जोक वगैरह करता रहता है, तो जेम्स को इसे जरा अनकम्फर्टेबल लगता है। रात में ये सब घूमने के लिए जा रहे थे। जिना ने एक ब्यूटीफुल सा ड्रेस पहना, पर ये जेम्स को अच्छा नहीं लगता। उसे लगता है कि ज़्यादा रिवीलिंग है। उसने उसे कहा कि पहले तो तुम कभी भी ऐसे कपड़े पहना नहीं करती थी। जिना ब्लाइंड थी तो अपने आप को उसने डिस्कवर नहीं किया था, तो अब वो यही करना चाहती है। वो जेम्स को कहती है, ये सब सिर्फ मैं तुम्हारे लिए करती हूँ। रात में घूमते घूमते एक स्ट्रिप क्लब जैसी जगह पर ही गए। जिना जेम्स को उसके साथ चलने के लिए कहती है, पर जेम्स कहता है कि मैं बाहर ही रोकता हूँ, तुम्हें जाना है तो तुम जा सकती हो। ये जब वापस आए और स्ट्रीट से चल रहे थे तो जिना को किसी ने छेड़ा। इस पर वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो गए। जिना के सिस्टर के हस्बैंड ने इन लड़कों को बहुत मारा। जिना गुस्सा थी कि जेम्स ने उसके लिए कुछ भी नहीं किया। रात में जिना के सिस्टर और हस्बैंड इंटीमेट हो रहे थे। जिना और जेम्स का झगड़ा हुआ है तो सिर्फ ये आवाज़ सुनते हैं। अगले दिन ये सब मिलकर जिना के पेरेंट्स का एक्सीडेंट जहाँ पर हुआ था उस जगह पर जाकर आते हैं। जिना इस जगह को फिर से देखकर अपनी लाइफ में मूव ऑन होना चाहती है। इसके बाद इनका हॉलीडे खत्म हुआ। जिना घर आने पर कहती है, हमें कहीं और रहने के लिए जाना चाहिए, ये घर उससे अपना नहीं लगता। जेम्स इस बात को ज़्यादा सीरियस नहीं लेता, उसे तो सब कुछ ठीक ही लगता है। रात में जिना के सोने के बाद जेम्स ने उसका टैबलेट चेक किया। जेम्स के साथ इंटीमेट होते वक्त उसने रिकॉर्ड किया था। ये उसे बहुत ही ज़्यादा अजीब लगता है, पर उसने एक चीज़ इस टेप में नोटिस की, वो थी कि जिना ने अपने आँख पर जरा हाथ लगाया था। ऑपरेशन के बाद अभी भी उसे थोड़ा सा इरिटेट हो रहा है। जेम्स चाहता है कि उन्हें एक बेबी हो, पर इसके लिए उन्हें प्रॉब्लम्स आ रहे थे। ये फिर डॉक्टर से चेक करवाते हैं, तो डॉक्टर जेम्स से कहते हैं, तुम्हारा स्पर्म काउंट बहुत ही लो है, शायद तुम कभी फादर बन नहीं पाओगे। इसके बाद नेक्स्ट सीन में जिना पार्क में आई हुई थी। यही बार वो डैनियल से मिलती है। डैनियल उसके स्विमिंग पूल पर काम करता है। उसे पता चला कि जिना अब सब कुछ देख सकती है। वो उसे कॉफ़ी के लिए पूछता है, पर जिना ने उसे मना कर दिया। आज घर आते वक्त जिना ने अपने हेयर्स डाई कर लिए थे। ये जेम्स को बहुत ही अजीब लगता है। उसे जो लगता है ये बात तो छुपा नहीं पाता। जिना ने उसे डिनर के वक्त पूछा, ये जब मैं ब्लाइंड थी क्या तुम्हें ज़्यादा अच्छी लगती थी? जेम्स कहता है, यही सवाल मैं तुमसे पूछ सकता हूँ। जेम्स इस बात पर कन्फ्यूज था। जो भी चेंजेस हो रहे हैं ये उसे सही नहीं लगते। अगले दिन जिना उनके लिए न्यू घर देखने के लिए गई। इसके बारे में वो जेम्स से बात करती है। एक दिन अचानक से जिना को अपनी आंखों में प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो गया। वो डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर कहते हैं, तुम्हारी आंखों में रिजेक्शन हो रहा है, वो कुछ न्यू ड्रॉप्स प्रिस्क्राइब करेंगे। कुछ दिन बीत गए और जिना की विजन फिर से वापस जा रही थी। वो बहुत ही ज़्यादा इस चीज़ से डिस्टर्ब हो जाती है। एक दिन उसे जेम्स के साथ पार्टी में जाना था तो रोने लग गए। जेम्स उसे सहारा देता है, उसी के साथ रुकता है। नेक्स्ट सीन में फिर से जिना को हम उसके डॉग को पार्क में घुमाता हुआ देख सकते हैं। उसका डॉग ओल्ड हो चुका था तो हीट की वजह से उसे बहुत ही तकलीफ हो रही थी। यहाँ उसे पार्क में फिर से डैनियल मिला। डैनियल कहता है कि मेरा घर पास ही है, वही वो डॉग को ले जाएंगे और उसका ज़रा आराम होगा। इन्होंने ऐसा ही किया। जब जिना यहाँ से जा रही थी तो डैनियल उसे किस कर लेता है। जिना की आंखें वापस आने के बाद जेम्स और उसमें कोई भी कॉन्टैक्ट नहीं था, इसी वजह से वो डैनियल के साथ इंटीमेट हो गए। जब वो घर आए तो उसे बहुत ही बुरा लग रहा था। वो जिस घर के बारे में बात कर रही थी, जेम्स ने जाकर आज उस घर को बाय कर लिया है, उसे और भी बुरा लगता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जिना जिस स्टूडेंट को पढ़ाती है उसके स्कूल में एक प्रोग्राम था। इसके लिए जब वो प्रैक्टिस कर रहे थे तभी उसे हॉस्पिटल से कॉल आया। डॉक्टर कहते हैं, तुम्हारे ड्रॉप्स में कुछ प्रॉब्लम था, उन्होंने जो प्रिस्क्राइब किए थे इसे किसी ने चेंज कर दिया था। वो जब घर आए तो घर में चोरी हो गई थी, उसका डॉग उसे कहीं भी नहीं मिलता। वो जेम्स को कॉल लगा दिया। जेम्स ने हर जगह पर ढूंढने की कोशिश की पर कहीं भी उसे नहीं मिलता। पार्क में जेम्स डैनियल से मिला। डैनियल ने कहा, अगर मुझे दिखता है तो मैं आपको कॉल करूंगा। जेम्स ने डैनियल को जिना से इंट्रोड्यूस करवाया। इन दोनों में ऑकवर्डनेस था तो जेम्स समझ गया कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। वो उसे कन्फ्रंट करता है पर जिना कहती कि ऐसा कुछ भी नहीं। डैनियल जिना के साथ अपनी रिलेशनशिप कंटिन्यू करना चाहता था पर जिना ने उसे मना कर दिया। एक दिन उसे पता चला कि वो प्रेग्नेंट है। जैसे कि हमें पता है कि जेम्स फादर नहीं बन सकता, तो ये बच्चा डैनियल का था। जेम्स को जब प्रेगनेंसी के बारे में पता चलता है तो उसे लगता है कि शायद ये बच्चा उसका ही है। वो जिना का बहुत ख्याल रखता है। स्लोली स्लोली जिना की विजन फिर से चली गई। जेम्स और उसमें जो पहले रिलेशनशिप हुआ करती थी उसी तरीके से फिर से अच्छी हो गई। जेम्स वंडर करता है कि क्या सच में जिना को कुछ भी नहीं दिखता। वो उसके सामने आकर सिर्फ उसे देख रहा था। जिना की आंखें कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं करती। ये दोनों मिलकर नए घर में शिफ्ट हो गए। जैक पुराने घर में कुछ सामान लेने के लिए गया हुआ था।
यहीं पर उसने नोटिस किया कि जीना के आई ड्रॉप्स उसने लिए ही नहीं। डॉक्टर ने उसे जो न्यू ड्रॉप्स दिए थे यही वो हमेशा से ले रही थी। जेम्स जब घर पर आया तो जीना उसके लिए एक लेटर छोड़ कर गई है। ये लेटर एक्चुअल में डैनियल ने जीना को दिया था। इसमें लिखा है, तुम्हारे डॉग को मैं चुरा रहा हूँ, ये तुम्हारी मेरे पास एक निशानी रहेगी। जीना जेम्स को उसके और डैनियल के बारे में बताना चाहती थी। जीना के स्टूडेंट के प्रोग्राम पर जेम्स भी पहुँचता है। जीना जब यहाँ परफॉर्म करती है तो उसने जेम्स की आंखों में आग डालकर परफॉर्म किया। उसे सब कुछ दिख रहा था। जीना को जब से दिखने लग गया था वैसे ही जेम्स को जरा अनकंफर्टेबल लग रहा था। उसने जब वीडियो टेप देखी नोटिस किया कि जीना की आंखों में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है तो उसने उसके ड्रॉप्स बदल दिए। उसे फिर से ब्लाइंड करने का उसका एक प्लान था। जीना को यह सब कुछ समझ में आ गया, उसे फाइनली छोड़ देती है। जेम्स अकेला ही जब रात में ड्राइव कर रहा था तो उसने जो भी किया इस वजह से डिस्टर्ब हो जाता है। खुद ही अपनी गाड़ी एक ट्रक से टकरा कर उसने खुदकुशी कर ली। मूवी के लास्ट सीन में जीना को बेबी हुआ है, उसका फेस वो देखती है और इसी के साथ ही मूवी एंड हो जाती है। हम जैसे हमेशा से थे, लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि हम वैसे ही रहेंगे। वक्त के साथ आदमी बदलता जाता है। एक्सेप्ट करना कुछ लोगों के लिए हार्ड हो सकता है, पर उनके लिए हमें खुद बदलना नहीं चाहिए। इसी के साथ आज का वीडियो हम खत्म करते हैं।